बाय द वे सारिम, तुम ऐसी इनकॉम्पिटेंट लड़कियों को रखते क्यों? प्लीज माइंड इट, मुझे दोबारा आपकी तरफ से ऐसी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। जी सर। यू मे गो नाउ। रिलैक्स। सिफारिश यार, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। नो वैल्यूज। अब हम थोड़ी सी वॉक करेंगे, बाकी जान है आहिल। रूमी, हाँ? तुम खुश तो हो ना? जाहिर सी बात है ताबिश, ना खुश होने वाली क्या बात है? वही बात जानने के लिए तो जनाब को अपने साथ लाए हो यहाँ पर। क्या बात जानी है तुम? तुम्हें याद है रूमी, जब हम हनीमून पर गए थे तो कितना खुश थी तुम? कैसे भूल सकती, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सुनहरे लम्हात थे। सिर्फ तुम थे, मैं थी, और अब शादी के बाद तो शादी के बाद अब हमारा प्यारा सा गुड्डा आहिल हमारे साथ है। क्यों? मेरा बेबी है। और तुम्हें वो याद है जब यूनिवर्सिटी में आज उधर आ गए? यूनिवर्सिटी में जब तुम्हारे मार्क्स कम आते थे या कोई पेपर में तुम क्वेश्चन मिस कर देती थी तो क्या रोने वाली शक्ल हो जाती थी तुम्हारी? मेरे समझाने पर भी बस नहीं करती थी तुम, और उस वक्त तक बोलती रहती थी जब तक तुम्हारे दिल की भड़ास ना निकल जाए। याद है? कैसे भूल सकते हो? तो अब ये सब क्यों नहीं करते? एतबार नहीं रहा या फिर दोस्त नहीं समझती मुझे? क्या हो गया ताबिश, तक आज कैसी बातें कर? वही सब तो जानना चाहता हूं मैं जो तुम्हारे दिल में है, जो बातें तुम्हें परेशान करती हैं। अगर तुम्हें बताऊंगी तो एतबार करोगे? अल्लाह ने दिमाग दिया है, कान दिए हैं सुनने के लिए, तुम बताओगी तो मैं हर बात को समझूंगा ना। बताओ मुझे। ताबिश, मैं सहरिश की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ।